हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ सिरके वाली मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये सिरके वाली हरी मिर्च बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। मिर्च का इंस्टेंट अचार या फिर सिरके वाली मिर्च बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 से 250 ग्राम के करीब मिर्च ले ली है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोकर इसका पानी सुखा लिया है। तो सबसे पहले इसे हमें कट करना है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसे हमें पीसेस में कट करना है इस तरीके से, जैसा भी आप इसका साइज रखना चाहें वैसे इसको कट कर सकते हैं। इसकी जो ये डंडी है इसको हमें हटा देना है, और चाहे तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं या फिर ऐसे, जैसे भी आपको पसंद हो बिल्कुल वैसे ही काट सकते हैं। मैं इसको ऐसे काट रही हूं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है मिर्च काटने में तो आप इसे कैंची से काट सकते हैं या फिर हाथ में ग्लव्स पहन के भी काट सकते हैं। तो सारे मिर्चों को मैं बिल्कुल ऐसे ही काट लेती हूँ। और ये सिरके वाली मिर्च बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और खाने के साथ अगर आप इसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाना। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। कुछ मिर्चियों को मैं इस तरीके से काट दे रही हूं। यहां पर सभी मिर्च को मैंने काट लिया है। सभी मिर्चों को काट लेने के बाद इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्च में इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिर्च के ऊपर नमक की अच्छी कोटिंग आ गई है, और मिक्स करने के बाद इन सभी मिर्चों को हम एक कांच के जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कांच की इस तरह का जार ले लिया है, तो बहुत छोटा जार लिया है मैंने यहाँ पर। अब जितना अचार की क्वांटिटी रहेगी उस अनुसार आप इसमें आप जार ले सकते हैं, और फिर आराम आराम से इसमें हम डाल देंगे सभी मिर्चों को। यहाँ पर मैंने सभी मिर्च को जार में डाल दिया है इस तरीके से, और इसमें मैं डालूंगी लास्ट में विनेगर। तो ये व्हाइट वाला जो विनेगर आता है वो इसमें मैं डाल रही हूं। तो विनेगर डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है, और विनेगर हमें इतना डालना है जिसमें कि जो सारी मिर्च है अच्छे से डूब जाए। देखिए पूरा मिर्च तक मैंने यहाँ पर इसको विनेगर इसमें डाल लिया है, और इसके बाद इस मिर्च के अचार को हम 10 से 12 घंटे के लिए रख देंगे। 10 से 12 घंटे बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये सिरके वाला मिर्च बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खाने के स्वाद को भी बढ़ा देता है, तो जरूर ट्राई कीजिए, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।